जिले के तेयायोपी थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में ससुराल वालों पर नवविवाहित महिला की गला दबाकर निर्मम हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही लड़की के मायके वालों में कोहराम मच गया। मृत महिला की पहचान तेयायोपी थाना क्षेत्र के रहने वाले रंजीत शाह की पत्नी बबीता देवी के रूप में की गई है। मृत बबीता देवी के पिता राजाराम शाह ने बताया है कि 16 फरवरी को अपनी पुत्री की शादी रंजीत शाह के साथ बड़ी धूमधाम से किए थे। उन्होंने बताया कि तिलक में जो बन पड़ा वह सब दिए थे। उन्होंने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरी पुत्री को 1.5 लाख रुपया फिर से दहेज के रूप में मांगने को लेकर लगातार उसके साथ मारपीट गाली गलौज किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार रंजीत शाह को मेरे द्वारा समझाया बुझाया गया था, इसके बावजूद भी वह अपने आदत से बाज नहीं आ रहा था और लगातार उसके साथ मारपीट गाली गलौज करते रहता था। उन्होंने यह भी बताया कि फोन कर लगातार 1.5 लाख रुपए की मांग करते रहता था। जब 1.5 लाख रुपया लड़का को फिर से नहीं मिला, उसके बाद मेरे पुत्री के साथ और ज्यादा मारपीट करने लगा। इस मारपीट के बाद लड़का के घर पर जाकर एक बार पंचायती भी किए थे। पंचायत में फैसला हुआ था कि अब परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बीती रात मेरे पुत्री के साथ मारपीट कर उसे निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर दी। हुआ क्या, उसको जो है सो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित थी लड़की। हाँ, कौन प्रताड़ित करता था? उसका सास करता था, करती थी, उसका ननद करती थी, उसका देवर जो है वो तो और हरामी है। प्रताड़ित करती थी और हुआ, हम तो ग्रामीण हैं और उसके घर से लगभग मान लीजिए हमारा घर 100 गज दूरी। पति भी प्रताड़ित करता था? पति यहाँ नहीं रहता, लेकिन इस इन्वॉल्व में पति का भी हाथ हो सकता है। बगैर पति का तो हत्या हो नहीं सकती है। अच्छा, क्या पता चला आपको? हमको, हम लोग ग्रामीण जब गए उसके घर पर, उस महिला का जब, उस लड़की का जब लाश देखे, उसके गर्दन पर जो है सो गला दबाने का निशान था और पुलिस भी इस बात को जो है सो सपोर्ट कर रही है। हाँ, और उसको हत्या कर दिया गया। उसके बाद जब ग्रामीण को पता चला जो भाई लड़की है नहीं कोई, उसका रिश्तेदार गई तो पता लगा जो है नहीं, वो लोग लाश पचाने का चक्कर में था, लाश को किसी तरह दफना दिया जाए। लेकिन जब गांव का लोग जागृत हुआ, जागा, तब जो है सो वो जो लड़की का जो परिवार बने, उसका सास, उसका जो ननद, उसका जो देवर था, वो सला सब भाग गया। और भागने के बाद जो है सो ग्रामीण इन्फॉर्म किया पुलिस को, पुलिस आया तो लाश को बरामद किया, बरामद करके उसको थाना ले गया। गाँव में काफी आक्रोश है कि एक नवविवाहित महिला की हत्या कर दी गई पैसा के लोभ में, मान लीजिए, या मान लीजिए उसको लेन देन के लोभ में हत्या किया हो। हम ग्रामीण में काफी आक्रोश है, हमारा ग्रामीण, एक एक ग्रामीण जो है उसके विरुद्ध जो है सो आवाज उठा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं प्रशासन और न्यायालय से कि इसका उचित जो है सो दंड मिले उस परिवार को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा विष्णु साह है।